टेक्निकल शीजा मेरा नाम है सोनिया और आज हम कैपकट की क्लास की तरफ चलते हैं आज की क्लास भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज हम मास्किंग करना सीखेंगे साथ ही साथ मैं आपको एडजस्टमेंट टूल का भी थोड़ा बहुत आइडिया दूंगी अब हमने अपना कैपकट जो है वो ओपन कर लिया न्यू प्रोजेक्ट पे आएंगे न्यू प्रोजेक्ट पे आने के बाद हम वीडियो को सिलेक्ट करेंगे अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास है बेसिक्स बेसिक्स जो होती है ना बेसिकली वो कंप्यूटर में ज्यादा काम आती है मोबाइल में इतना ज्यादा काम नहीं आती है लेकिन फिर भी मैं आपको ना इसको समझा देती हूँ पोजिशन के ऊपर है हम अभी तो ये यह, यहाँ जो एक्स पोजिशन है हम इसको जब राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो ये राइट की तरफ चला जाएगा लेफ्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो ये लेफ्ट पे चला जाएगा और अगर हम इसको दरम्यान में रखना चाहेंगे तो ये बिल्कुल दरम्यान में आ जाएगा साथ ही साथ आप इसके नंबर देख रहे होंगे जीरो हो गए हैं जब जीरो होता है ना वो दरमियान पे होता है इससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि अगर आप कोई भी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं ना किसी वीडियो को ऊपर या नीचे रखना चाहते हैं आप उसको एक्यूरेटली ऊपर या नीचे रख सकते हैं इनके नंबर से आपको आइडिया लग जाएगा कि कई तरह से आपने ऊपर नीचे रखी है या थोड़ी सी उसमें गड़बड़ है ठीक है <laughs> अब नेक्स्ट है हमारा स्केल स्केल में ये होता है कि आप वीडियो को छोटा या बड़ा कर सकते हैं इस तरह से जैसे आप इसको राइट पे करोगे छोटी हो जाएगी लेफ्ट पे करोगे तो ये बड़ी हो जाएगी नेक्स्ट हमारे पास रोटेशन है रोटेशन में भी भी आप वीडियो को इस तरह से रोटेट कर सकते हो अच्छा अब ये जितने भी फीचर है ना आप इस वीडियो को पकड़ के इसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट या छोटा या बड़ा जो है वो कर सकते हो तो ये टूल हमारे लिए मोबाइल के अंदर इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है अच्छा अब मैं वीडियो को दोबारा सेलेक्ट करती हूँ अब हम आज जाते हैं हमारे बेस्ट टॉपिक की तरफ

एक बड़ी सी वीडियो के आगे लगा लेते हैं अपनी छोटी सी वीडियो और वहां से वो अर्निंग करना शुरू कर देते हैं रिएक्शन करके अच्छा मास्किंग में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे इससे पहले हम एक काम ये करते हैं कि पीछे तो हमारे पास वीडियो है हम इसको भी मास्किंग में इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हम ओवर लगाएंगे और फिर उसकी वीडियो को हम एज अ मास्किंग में इस्तेमाल करेंगे अब यहाँ पर एक इंसान हमें नजर आ रहा है तो हम किसी इंसान की वीडियो को ही मास्क करेंगे पहले हम इसकी आवाज बंद कर लेते हैं अच्छा अब हम इसको करते हैं। हैं। करके हम मास्क की तरफ आते हैं। ये आगे हम मास्क पे अब हमारे पास काफी ज्यादा ऑप्शन है जो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ अच्छा एक हमारे पास है हॉरिजेंटल होरिजेंटल में क्या है कि आप इसको जितना चाहे उतना ऊपर या नीचे से कर सकते हैं क्रोप आ, या इसको मास्क लगा सकते हैं अच्छा क्रोप में और मास्क में क्या फर्क है क्रोप में ये होता है कि आप सीधा सीधा उस जगह को कट कर सकते हैं मास्क का ये आपको फायदा है कि आपको ये जरूरत नहीं है कि आप स्पेशली उसको कट करके दिखाओ आप यहाँ पर एडजस्ट पे आ सकते हो फैदर में जा सकते हो और ये पोजिशन सॉरी फेदर में आके आप इसका स्केल जो है उसको कम या ज्यादा कर सकते हो तो आप ये देखोगे कि अब इनकी बॉडी जो है वो हल्की हल्की नजर आ रही है ये नहीं कि पूरा का पूरा मिट गया है ये इससे ये होता है कि वीडियो जो है उसका टेक्सचर मिक्स हो जाता है और वीडियो ऐसा नहीं लगता कि दो अलग अलग वीडियो चल रही हैं ऐसा महसूस होता है कि ठीक है एक ही रिदम में वीडियो आ रही है इसके अलावा आप इसकी पोजिशन और रोटेशन चेंज कर सकते हो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखो पोजिशन तो ऑलरेडी आप ये देखो इस तरह से चेंज कर रहे हो रोटेशन को भी आप इस डायरेक्ट स्क्रीन पकड़ के लेफ्ट राइट कर सकते हो लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए रोटेशन के के ऑप्शन ऊपर आके आप इसको लेफ्ट या राइट करोगे ना तो यहाँ से ये यह आपके लिए रोटेट हो जाएगा ठीक है अब हम इसको जीरो पे कर देते हैं डन ठीक है अच्छा अगर हमने इसको अब ये नीचे से हो रहा है ना वैसे तो हम रोटेट करके भी इसको ऊपर तक लेके जा सकते हैं लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रोटेट नहीं करना तो यहाँ पर एक ऑप्शन है इनवर्ट का इनवर्ट को क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली शेड बना सकते हो अच्छा अगर अब यहाँ पर जो वीडियो है वो ऊपर और नीचे से अगर हमें नहीं चाहिए तो ये इफेक्ट है एक मिरर इफेक्ट ये देखें ठीक है हम इसको एक बार इन्वर्ट कर लेते हैं ठीक है अच्छा अब ये मिरर इफेक्ट लग गया है अब ये वीडियो जो है फैदर के साथ इस तरह से चलेगी वीडियो का साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो अब ये देखें वीडियो जो है वो इस तरह से चलेगी पीछे वाली वीडियो भी चल रही है और आगे वाली भी वीडियो चल रही है और वो ऐसा लग भी नहीं रहा कि दो अलग अलग वीडियो बल्कि वो मिक्स हो गई हैं वीडियो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सर्कल आप सर्कल में भी इस तरह से कर सकते हैं इनके फेस के ऊपर रख दें और ये वीडियो जो है वो चलती जाएगी और आप इस तरह से इनको पकड़ सकते हैं अच्छा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मास्क ही सिखाऊंगी लेकिन मास्क के साथ साथ हम एक, एक ऐसी चीज सीखने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो होगा कींग करना तो हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो मास्क के ऊपर और वीडियो के ऊपर कींग करना हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल है रेक्टेंगल में भी वही सर्कल वाला हिसाब है हार्ट है आप इस तरह से हार्ट भी लगा सकते हो स्टार भी लगा सकते हो हार्ट लगा के थोड़ा सा इसको देखते हैं ये अच्छा ये अच्छा अभी क्या हो रहा है कि इसका फेस जो है वो पूरा नहीं ना आ रहा हार्ट के अंदर या वो अगर मूव होता है तो हार्ट से उसका फेस निकल जाता है जो किंग हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे ना उसमें हम इस चीज को फिक्स करेंगे जहां जहां इसका फेस जाएगा वहां वहां ये हार्ट जो है वो खुद ही पहुंच जाएगा मास्क में अब एक और लास्ट चीज मैं आपको करके दिखा देती हूँ बता मैं आपको ऑलरेडी चुकी हूँ वो चीज के बारे में अब अब अगर हम इन्वर्ट कर देंगे ना तो ये देखिए पीछे वाली जो वीडियो है वो हार्ट के अंदर आ जाएगी और जो आगे वाली वीडियो है वो हमें पैसे शो होने लग जाएगी काफी कमाल का फीचर है आप जितना चाहे इससे फायदा उठा सकते हैं जितनी चाहे इससे कमाल की एडिटिंग कर सकते हैं और अपने व्यूअर्स को उनको सरप्राइज कर सकते हैं कि आपकी एडिटिंग स्किल कमाल की है और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये ट्रिक किस तरह से की है तो इसी तरह की ट्रिप एंड ट्रिप्स के लिए हमें फॉलो करते रहे और हमारे साथ बने रही टेक्निकल चीजों के चैनल पर और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और अगर आपको कोई भी चीज में कंफ्यूजन हो या मुझसे कांटेक्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर और इंस्टाग्राम जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वैसे मेरे इंस्टाग्राम का नाम है इज़ ऑनलाइन अल्लाह हाफिज